तो आज के वीडियो में हम ये जानने वाले कि ड्रैग गेस्चर होता क्या है, किन मिस्टेक्स की वजह से आपको ड्रैग गेस्चर लेने में दिक्कत होती है, और आपको कितना और किस तरीके से ड्रैग करना चाहिए जिसकी मदद से आप किसी भी एनिमी को इजीली हेडशॉट मार सको। और मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे टॉप 5 मिस्टेक्स के बारे में बताने वाला हूँ जिस मिस्टेक को ठीक करके आप ड्रैग गेस्चर को सही से यूज़ करने लगोगे। और उसी के साथ साथ ड्रैग रिलेटेड आपके जो क्वेश्चन थे, लाइक शॉटगन से वन टैप ना लगना यार, या फिर SMG गन से ओनली रेड नंबर्स ना लगना, तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ड्रैग हेडशॉट होता क्या है और वो किस तरीके से वर्क करता है। तो बेसिकली इसमें आपको करना कुछ नहीं है। समझो कोई एनिमी आपके लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड मूव कर रहा है, तो आपको अपने फायर की बटन को होल्ड करके उस एनिमी के टूवर्ड ड्रैग करना है। तो देन उसके बाद अभी मैं आपको कुछ ऐसे टॉप 5 मिस्टेक्स के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप इनमें से एक मिस्टेक को भी मिस करते हो तो उसके बाद मुझे मत बोलना कि तूने इसके बारे में नहीं बताया था। तो उसमें हमारा जो सबसे पहले मिस्टेक है वो है फायर बटन साइज। अगर मान लीजिए आपके हेडशॉट रिलेटेड सभी सेटिंग्स ठीक है, लाइक आपके ड्रैग करने का तरीका भी अच्छा है और आपकी सेंसिटिविटी सेटिंग भी अच्छी है, तो देन तुरंत समझ लेना कि आपके फायर बटन के साइज में या फिर आपके फायर बटन के प्लेसमेंट में मिस्टेक है। तो जब भी आप अपने कस्टम HUD में जाओगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो उसमें जो लेफ्ट वाली साइड रहते हैं तो उसे हम कहते हैं एनालॉग पार्ट, और जो राइट वाली साइड रहते हैं तो उसे हम कहते हैं कैमरा मूवमेंट पार्ट। तो कैमरा मूवमेंट पार्ट अगेन डिवाइड होता है 2 पार्ट में। तो उसमें जो राइट वाला पोर्शन रहता है तो आपको हमेशा उसमें गेम की हाई सेंसिटिविटी देखने को मिल जाएगी, इसलिए आपको हमेशा अपना फायर बटन उसी राइट वाले पोर्शन में और उसे अपने स्क्रीन के सेंटर के नीचे रखना है। इसे एग्जैक्टली होता क्या है तो अभी हम इसके बारे में जान लेते हैं। तो जब आप अपने फायर बटन को अपने स्क्रीन के सेंटर के ऊपर रखे तो आपको ड्रैग करने में दिक्कत होगी, उस टाइम आपका फायर नहीं होगा, और जब आप ड्रैग करोगे तो आपका जो ड्रैग है वो शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगा। और जब आप अपने फायर बटन अपने स्क्रीन के सेंटर के नीचे रखोगे तो आपको फायर करने में एक वाइड स्पेस देखने को मिल जाएगा, यानी कि आप अपना एम उस एनिमी के बॉडी के ऊपर से उस एनिमी के हेड तक आराम से लेकर जा सकते हो। तो देन उसके बाद अभी हम फायर बटन के साइज के बारे में जान लेते हैं। तो आपको हमेशा अपना फायर बटन का साइज 35 से लेकर 55 के बीच में रखना है, और अगर आप अपने फायर बटन के साइज को इससे भी छोटा करोगे तो आपका मिस फायर होगा, यानी कि आपको फायर करने में डिफिकल्टीज होगी। और जब आप इसे 55 से लेकर और ज्यादा तक बढ़ाओगे तो आपको रोटेशन ड्रैग लेने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए आप अपने फायर बटन के साइज को हमेशा 35 से लेकर 55 के बीच में रखा करो। तो देन उसके बाद हमारा जो सेकंड इम्पॉर्टेंट मिस्टेक है वो है परफेक्ट ड्रैग टेक्निक। तो बेसिकली इसमें एग्जैक्टली क्या होता है, जब आप किसी शॉर्ट रेंज वाले एनिमी को वन टैप हेडशॉट या फिर ड्रैग हेडशॉट मारने के लिए जाओगे तो आपको जोर से ड्रैग करना पड़ेगा, क्योंकि आपको अपना एम उस एनिमी के बॉडी के ऊपर से उस एनिमी के हेड तक ले जाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। और वही लॉन्ग रेंज में देखा जाए तो आपको हमेशा लॉन्ग रेंज में स्पेसिफिक ड्रैग करना है, क्योंकि जब आप लॉन्ग रेंज में जोर से ड्रैग करोगे तो आपकी जो गोली है उस एनिमी के हेड के ऊपर से निकल जाएगी। तो इस चीज़ को आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी कोई एनिमी आपके शॉर्ट रेंज में होगा तो आपको शॉर्ट रेंज में जोर से ड्रैग करना है, और जो एनिमी आपके लॉन्ग रेंज में होगा तो उस टाइम आपको हमेशा स्पेसिफिक ड्रैग करना है। अगर आप इन दोनों के बीच का एग्जैक्टली डिफरेंस समझ जाओगे तो आपको ड्रैग हेडशॉट या फिर वन टैप हेडशॉट लेने में कोई डिफिकल्टीज नहीं होगी। तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट मिस्टेक है वो है कंटिन्यूसली फायरिंग। तो जैसे कि आप मेरे स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो तो यहाँ पर मैं कंटिन्यूसली फायरिंग कर रहा हूँ जिसके वजह से मेरी गन रिकल होती है। तो बहुत सारे प्लेस में एग्जैक्टली क्या करते हैं, जब तक सामने वाले एनिमी डाउन नहीं होता या फिर जब तक उनकी गन से गोलियां खत्म नहीं हो जाती तब तक वो सामने वाले एनिमी को मारते रहते, तो ऐसा करने से उनकी गन रिकॉइल होने लगती है। तो उसके लिए 5-4 मेथड का यूज़ कर सकते हो। तो उसमें आपको एग्जैक्टली करना कुछ नहीं, पहले आपको अपनी गन से 5 या 4 बुलेट फायर करना है, देन आपको स्टॉप होने के बाद अगेन फायर करना है। तो ऐसा करने से आपकी गन रिकॉइल नहीं होगी, और रिकॉइल नहीं होने की वजह से आप एनिमी को हेडशॉट मार पाओगे। तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट मिस्टेक है वो है गन कॉम्बिनेशन। तो अभी मैं आपको एग्जांपल के साथ डिटेल्स में बताता हूँ कि आपको किस टाइप के गन को ज़्यादातर यूज़ करना है जिसकी मदद से आपको ड्रैग हेडशॉट लेने में डिफिकल्टीज ना हो। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आपको शॉर्ट रेंज में किस टाइप के गन को ज़्यादातर यूज़ करना है। तो बेसिकली आप शॉर्ट रेंज में SMG या फिर ज़्यादातर शॉटगन को यूज़ करते हो। तो SMG गन में देखा जाए तो आप लाइक MP40, थॉमसन और MP5, इन 3 गन को ज़्यादातर यूज़ कर सकते हो। मैंने UMP को इसलिए नहीं बोला कि UMP ज़्यादातर रिकॉल होने लगते जिसकी मदद से आपको ड्रैग हेडशॉट लेने में डिफिकल्टीज होगी। और वही शॉटगन के बारे में देखा जाए तो उसमें आप M1887 या फिर M10 को ज़्यादातर यूज़ कर सकते हो। और वही लॉन्ग रेंज की बात की जाए तो उसमें आप ज़्यादातर M41, स्कार और AK, इन 3 टाइप के गन को ज़्यादातर यूज़ किया करो। और मैंने आपको 5-4 मीटर के बारे में बताया था, आप उसी मीटर का ज़्यादातर यूज़ किया करो, क्योंकि उससे आपका गन का जो रिकॉल है वो आपको बहुत कम देखने को मिल जाएगा। समझ रहे हो आप?
समझ रहे हो। तो देन उसके बाद अभी मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में बताने वाला हूँ, जिसकी वजह से आपकी 50% हेडशॉट मिस हो जाते हैं। लेकिन वो जानने से पहले, अभी तक अगर आप इस वीडियो में बने हो और आपको ये वाली वीडियो पसंद आए तो देन वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो उसके बाद हमारा जो फिफ्थ यानी कि लास्ट मिस्टेक है वो है रॉन्ग एमिंग टाइम। तो जैसा कि आप मेरे स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, तो यहाँ पर मैंने M500 से पहली बुलेट फायर की लेकिन मेरी पहली गोली मिस हो गई। लेकिन जैसे मैंने दूसरी गोली फायर की वो तुरंत एनिमी के हेड पर कनेक्ट हो गई। लेकिन एग्जैक्टली वहाँ पर क्या डिफरेंस था जिसके वजह से मेरी सेम ड्रैग स्पीड और सेम एमिंग की वजह से भी मेरे हेडशॉट मिस हो गया। तो यहाँ पर एग्जैक्टली क्या हुआ, जैसे मैंने अपने गन से पहली गोली फायर की तो एनिमी स्टेडी ना होने के कारण रॉन्ग एमिंग टाइमिंग की वजह से मेरी गोली मिस हो गई। तो जैसे मैंने दूसरी गोली फायर की तो एनिमी स्टेडी होने के कारण सही एमिंग की वजह से मेरी दूसरी गोली एग्जैक्टली एनिमी के हेड के ऊपर चली गई। इसलिए जब भी कोई एनिमी आपके ऊपर फायर करने के लिए स्टेबल होगा देन आपको उसी समय उस एनिमी के ऊपर फायर करना है। ऐसा करने से आपके हेडशॉट मिस होने के जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा कम रहेंगे। अगर आप इन 5 मिस्टेक को प्रॉपर तरीके से ध्यान रख के खेलोगे तो आपके हेडशॉट मिस होने के जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। तो उसके बारे में मैंने आपको इस वीडियो में डिटेल्स में बता दिया। तो आई होप ये वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो हम मिलते हैं आपको किसी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों।